खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कुमाऊं से हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल कुमाऊं से हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने की सुगबुगाहट पर वकीलों, सामाजिक राजनीतिक चिंतकों के साथ साथ अन्य वर्ग भी मुखर हो गए हैं। उनका साफ कहना है कि हाईकोर्ट के बहाने लोगों को कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने की साजिश की जा रही है। बीते दिनों कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने भी सरकार पर आरोप लगाया है कि नैनीताल हाईकोर्ट से कुमाऊं का नाम जुड़ा था, लेकिन अब सरकार उसको भी ऋषिकेश में शिफ्ट कर कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्रवाद को बांट रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय, कांग्रेस के नेता अगर जिस प्रकार की बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगती है, हंसी आती है उनके जानकारी पे, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस का काम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं तो कांग्रेस के नेता उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अगर जो कोई संवैधानिक संस्था कार्यवाही करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस के नेता उस पर प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। देखिए, हाईकोर्ट का मसला जो है वो माननीय न्यायालय ने उसमें कमेटी बनाई है, पूरा कमेटी पूर्व न्यायाधीश होंगे उसमें, हमारे कई जनप्रतिनिधि भी होंगे उसमें, हमारे जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो होंगे, कई अधिवक्ता होंगे, उस सारी कमेटी बन करके निर्णय लेगी। और उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि आपके पास जहां जहां भूमियां हैं उनको आप दे दीजिए, उसके बाद प्रस्ताव जहां जहां पर जाएंगे वो कमेटी देखेगी, उसके बाद फाइनल होगा। अभी तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है, एक प्रस्ताव हाईकोर्ट ने दिया है सरकार को और सरकार उस पर काम कर रही है। ऐसा कहीं नहीं कहां शिफ्टिंग है, कहां अभी हो रहा है, ये सब चीजें जो हैं विपक्ष के लोग अनगल बयानबाजी कर बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे जिस प्रकार की बातें कर देते हैं और समाज के अंदर